अस्सलाम वालेकुम एट क्लास, दिस इज़ योर सोशल स्टडी लेक्चर नंबर 11 एंड टुडे वी विल सॉल्व द वर्कशीट्स ऑफ चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 11 एंड चैप्टर नंबर 12. ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड. आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. वर्कशीट ऑफ चैप्टर नंबर 1. Here are the names of the planets in the solar system jumbled together. Arrange them in order according to the distance from the sun. ठीक है, यहाँ पर आपको planets के names दिए गए हैं. आपने sun से distance के according इनको जो है arrange करना है. Number 1 पे Mercury है, number 2 Venus, number 3 is Earth, number 4 Mars, number 5 Jupiter, number 6 Saturn, number 7 Uranus and number 8 Neptune. ये इसी सीक्वेंस में सन से दूर हैं. ठीक है, नेपच्यून नंबर 8 है, मतलब ये सबसे दूर है सन से. नेक्स्ट, मैच द सोलर सिस्टम बॉडीज इन कॉलम ए विद देयर फीचर्स इन कॉलम बी. सन क्या है? अ स्टार, सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम का सेंटर, दरमियान वाला हिस्सा. प्लूटो क्या है? नो लॉन्गर अ प्लैनेट, ये एक प्लैनेट नहीं रहा. मर्कुरी टू क्लोज टू द सन, ये सन के बहुत सबसे करीब यही है. ठीक है, पहला सितारा है, पहला ये प्लैनेट सन से जितना करीब होगा उतना ज़्यादा गर्मी होगी वहाँ पे. मार्स टेम्परेचर -140 डिग्री सेंटीग्रेड टू 17 डिग्री सेंटीग्रेड, ये मार्स का टेम्परेचर यहाँ पे दिया गया है. एंड सैटर्न 7 जिगेंटिक रिंग्स, इसके 7 जिगेंटिक रिंग्स होते हैं. चूज़ द करेक्ट आंसर. लाइट ट्रेवल एट द स्पीड ऑफ डैश पर आवर. मैं आई विल स्पीक ओनली आंसर्स. ओके, ओवर 1 बिलियन किलोमीटर, 1 बिलियन किलोमीटर पर आवर के हिसाब से ये ट्रैवल करती है लाइट. द हबल टेलीस्कोप ऑर्बिट्स एट द हाइट ऑफ डैश अबव द सन. राइट आंसर इज 600 किलोमीटर अबव द सन. ओके, सर्कल करना मैं भूल गई हूँ यहाँ पे, 600 किलोमीटर. द प्लैनेट नियरेस्ट टू अर्थ इज, अर्थ के नज़दीक कौन सा प्लैनेट है? वीनस. द प्लैनेट फर्दरस्ट फ्रॉम द सन इज, सन से सबसे ज़्यादा दूर कौन सा प्लैनेट है? नेपच्यून. हियर आई हैव टॉट यू ऑलरेडी. द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन जुपिटर इज मोर देन डैश दैट ऑन अर्थ. जुपिटर पर फोर्स ऑफ ग्रेविटी अर्थ की नस्बत कितनी है? ट्वाइस, डबल है, ज़्यादा है. कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. द कॉन्सेप्ट ऑफ मुस्लिम आइडेंटिटी हैव बीन फॉर्मुलेटेड बाई डैश एंड डैश एज अर्ली एज द 18th century. दिस इज़ द वर्कशीट ऑफ चैप्टर नंबर 11 के मुस्लिम्स की अपनी एक शनात है. ये कॉन्सेप्ट सबसे पहले 18th century में किसने दिया था? शाह वलीउल्लाह ने एंड सैयद अहमद शहीद बरेलवी ने. सर सैयद टोल्ड द डैश दैट मुस्लिम शुड बी गिवन डैश व्हेन पॉलिटिकल रिफॉर्म्स एंड डैश केम टू द सब कॉन्टिनेंट. सर सैयद ने किन को कहा? डैश को कहा कि मुसलमानों को जब भी सियासी जो थी वो इस्लाहात होंगी और बड़े सगीर में कुछ होगा तो इम्पोर्टेंस दी जाएगी. सर सैयद टोल्ड द ब्रिटिश, उन्होंने बरतानियों को कहा, द मुस्लिम शुड गिवन सेपरेट कंसिडरेशन, मुसलमान को अलग कंसिडर किया जाएगा व्हेन पॉलिटिकल फॉर्म्स एंड इंडिपेंडेंस केम इन टू द सब कॉन्टिनेंट. ठीक है, जब आज़ादी दी जाएगी. कायद आज़म बिलीव दैट पाकिस्तान शुड बी गाइडेड बाई प्रिंसिपल्स ऑफ. कायद आज़म का यकीन था कि पाकिस्तान को किन असूलों के मुताबिक गाइड किया जाएगा? जो प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस, इंसाफ के एंड फेयर डीलिंग्स और मुसावात के, फॉर ऑल, सब के लिए. कायद आज़म स्टेटेड दैट ऑल द पीपल ऑफ पाकिस्तान वर, के कायद आज़म ने कहा कि तमाम जो लोग हैं पाकिस्तान के वो क्या हैं? इक्वल सिटीजन्स हैं, इक्वल शहरी हैं, बराबर ऑफ अ सॉवरिजन स्टेट, एक सॉवरिजन स्टेट के खुद मुख्तार रियासत के. द पाकिस्तान नेशनल मूवमेंट वॉज फॉर्म बाय, पाकिस्तान नेशनल मूवमेंट किसने बनाई थी? चौधरी रहमत अली. वट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ मीनार ए पाकिस्तान? द कमोमोरेटिव टावर हैज़ बिन बिल्ड एट द साइट वेयर द लाहौर रेजोल्यूशन ऑफ 1940 वॉज पास्ड. ये वहाँ पर टावर बनाया गया है जहाँ करारदाद लाहौर 1940 में पास की गई थी. व्हेन वाज द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान फ्रेम्ड? द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान वाज फ्रेम्ड इन 1956 में पाकिस्तान का पहला आइन बनाया गया था. लिस्ट द डेट्स एंड नेम्स ऑफ द लीडर्स ड्यूरिंग हुज गवर्नमेंट चेंजेस वर मेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन. डेट और नेम लिखी है जिन्होंने अपनी हुकूमत में आइन को तब्दील करने की कोशिश की और तब्दील किया. 1962 में अयूब खान ने और 1973 में जुल्फ़कार अली भुट्टो ने. नेम द ऑथर्स, ये टू बुक्स के नेम्स हैं और इनके राइटर्स के नाम बताने हैं. नाउ और नेवर चौधरी रहमत अली ने लिखा. द रिकॉन्स्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थाट्स इन इस्लाम, ये किसकी है? इलामा मोहम्मद इकबाल की. नेक्स्ट, वर्कशीट ऑफ चैप्टर नंबर 12. When did Bangladesh came into being? In 9 December 1971.
ठीक है, बांग्लादेश कब बना? दिसंबर 1971 में। हाउ मैनी टाइम्स डिड डेजिट बेनजीर भुट्टो बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान? आल्सो गिव द डेट। बेनजीर भुट्टो कब पाकिस्तान की प्राइम मिनिस्टर बनी थी? डेट्स बताएं। कितनी दफ़ा? टू टाइम्स शी बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, दो दफ़ा पाकिस्तान की प्राइम मिनिस्टर बनी है। फर्स्ट टाइम वो बनी थी 18 अक्टूबर 1993, ओके, एंड सेकेंड टाइम 2 दिसंबर 1998। नेक्स्ट, व्हेन डिड जुल्फकार अली भुट्टो बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान? इन 1973। जुल्फकार अली भुट्टो 1973 में प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बने थे। हाउ लॉन्ग डिड जनरल ज़ियाउल हक रूल पाकिस्तान? गिव द डेट्स। जनरल ज़ियाउल हक ने कितनी देर पाकिस्तान पर हुकूमत की? ही रूल्ड फ्रॉम 1978 to 1988, 10 ईयर्स, ठीक है, 10 साल उन्होंने हुकूमत की थी। हुज़ गवर्नमेंट केम टू एन एंड व्हेन जनरल परवेज मुशरफ टुक ओवर? जब जनरल परवेज मुशरफ आया तो किसकी हुकूमत का खात्मा हुआ था? नवाज शरीफ, लीडर ऑफ PMLN, नवाज शरीफ था तब प्राइम मिनिस्टर, उसकी हुकूमत का खात्मा हुआ। वर्ल्ड मेजर इंटरनेशनल कैटस्ट्रोफ टुक प्लेस इन सितंबर 2001, सितंबर 2001 में क्या हुआ था? 9/11, ठीक है, द डिज़ास्टर ऑफ 11 सितंबर 2001 इन न्यूयॉर्क, जो न्यूयॉर्क में दहशतगर्दी हुई थी जिसमें न्यूयॉर्क में तबाही मचाई गई थी, वो 11 सितंबर 2001 को वो हमला किया गया था। हाउ डिड द इवेंट इफेक्ट पाकिस्तान? दिस इवेंट, जब ये हुआ 9/11 का वाकया, तो इससे पाकिस्तान को क्या इफेक्ट हुआ? दिस इवेंट ब्रॉड पाकिस्तान इन टू फोकस एंड रिसीव्ड जेनरस फाइनेंशियल सपोर्ट फ्रॉम के बाद ये नीचे लिखा हुआ मैंने, वेस्टर्न पावर्स स्पेशली द USA, ठीक है, इसके बाद ये पाकिस्तान बहुत ज़्यादा फोकस में आया, इसको अपना हमदर्द मुल्क समझा जाने लगा और बहुत सी फाइनेंशियल सपोर्ट मिली योर वेस्टर्न साइड से, खास तौर पर USA से, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से। वट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ 27 दिसंबर 2007? 27 दिसंबर 2007 को क्या हुआ था? ऑन 27 दिसंबर 2007 बेनजीर भुट्टो वॉज ट्रेजिकली किल्ड, ठीक है, 27 दिसंबर 2007 को बेनजीर भुट्टो को कत्ल कर दिया गया। नेक्स्ट वन, मेक द करेक्ट आंसर्स। रशिया इन्वेडेड अफगानिस्तान, अफगानिस्तान में कब जो था दाखिल हुआ? 1979। बेनजीर भुट्टो रिटर्न टू पाकिस्तान फ्रॉम एग्जाइल इन, बेनजीर भुट्टो जब पाकिस्तान से जिला वतन कर दी गई थी तो वो कहाँ से वापस आई थी? UK से। पाकिस्तान टेस्टेड इट्स न्यूक्लियर बॉम्ब इन, पाकिस्तान ने कहाँ अपना न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्ट किया था? इन चागी। इन द 2008 इलेक्शन द PPP won एंड फॉर्म द गवर्नमेंट विद डैश एज प्राइम मिनिस्टर। 2008 के इलेक्शन में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जीती और गवर्नमेंट उसकी बनी और प्राइम मिनिस्टर कौन था? आसिफ अली जरदारी। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1956 वॉज रिप्लेस्ड बाय अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन ड्यूरिंग जो था जुल्फकार अली भुट्टोस टेंचर इन डैश, ठीक है, जो न्यू कॉन्स्टिट्यूशन बना था चेंजेस के बाद वो कब बना था? 1973 में। जनरल परवेज मुशरफ केम इन टू पावर इन, कब जनरल परवेज मुशरफ जो था वो उसकी गवर्नमेंट बनी और वो पावर में आया? अक्टूबर 1999 में। नॉट ऑल वर्कशीट्स आर इंक्लूडेड इन द असेसमेंट, तमाम वर्कशीट्स असेसमेंट में इंक्लूडेड होंगी। लर्न कंप्लीट वर्कशीट्स और इनको आप लर्न करेंगे, सिलेबस चैप्टर नंबर 1, 11 एंड 12 कंप्लीट विद वर्कशीट, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स एंड एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर्स। रीडिंग के साथ मैंने आपको शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स भी दिए हुए हैं, वो भी आपके इंक्लूडेड होंगे, ये वर्कशीट्स भी और एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर्स भी। ये इस लेक्चर में मैंने आपको आपका SST का सिलेबस भी बता दिया है। ओके स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।